वेलकम बैक टू अवर चैनल। पूरा सामान फैला हुआ है, सामान फैला है पूरा। रात बहुत हो गई थी, रात बहुत हो गई थी, तो फिर सुबह हो गई। अब इतने जल्दी तो मैं दीदी उठ गई थी इतने जल्दी, और मैं इतने जल्दी नहीं उठा था, तो मैं उठ के आया ऊपर से 11 बजे। 11 बजे नहीं, सुबह 4 बजे मैं उठ गई थी, क्योंकि हम लोगों को जाना था। आज बहुत ही स्पेशल दिन था, आज मम्मी पापा कर रहे हैं भंडा। ए सॉरी, आज मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ, कर रहे थे भंडारा। तो बहुत ही स्पेशल दिन था हमारे लिए, तो सुबह सब लोग जल्दी उठ गए थे, और यहाँ 4 बजे मैं सोकर उठी थी। अब आज ही नहीं निकल रही थी गले से ना उस टाइम, और शिबू तो सो रहा था, तभी मैं ये स्टार्ट कर दिया था ब्लॉग बनाना। और दीदी अकेले मैं वो वीडियो बना रही थी, हम नहीं ली थी क्योंकि मैं सो रहा था। और जब शिबू को सोते टाइम उठाते हैं ना, तो शिबू बहुत रोता है, इसलिए मैंने शिबू को नहीं उठाया था। पूरा सामान भी फैला और हुआ। जब कुरकुरे लाए हैं, जब मैं रात को उठ गया। हाँ, यहाँ फिर मैं नहा के आ गई हूँ रेडी होकर, और भैया भी मेरा उठ गया है। आज हम इतने जल्दी उठे थे, सुबह 4 बजे उठे रहे माँ के साथ, हम तो सो रहे थे। आज इस बहुत लेट उठा, जिस दिन जल्दी उठना होता है तो उस दिन और शिवा भी लेट उठता है ना। बनियान पहनो तो पहले हाथ में गंदे हो, बनियान पहन ले पहले, ताकि तो लो फैला डाल ले ना, फैला ना हाथ गंदे ना हो जाए वैसे। हाँ अभी से ना ठीक है, आज वैसे ठंड नहीं है ज्यादा। मम्मी बोल रही है कि स्वेटर पहन लो, तो ज्यादा अच्छा हल्की हल्की हवा चल रही है ना, इसलिए स्वेटर पहन लो, पहनना है तो फिर वहाँ बल्कि धूप रहेगी तो उतार के रख दो। ठीक है तुम पहन लो। गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं जहाँ पर पूजा होना है, भंडारा होना है, वहाँ के लिए जा रहे हैं। बहुत टाइम हो गया, बहुत लेट हो गए, घर से 9 बजे निकलना था, लेकिन अभी टाइम हो रहा है वही तकरीबन 10 बज रहा है। पर क्या हो जाता है ना, कभी कभी टाइम लेट भी हो जाते हैं, इसलिए कोई नहीं, अब जा रहे हैं। कलकत्ता होगी, उसके बाद फिर पूजा होगी, और फिर भंडारा स्टार्ट होगा। चलिए फिर मिलते हैं वहीं पर। और ये शिवाय बेबी है जो कि गाड़ी में बैठे। भैया लो कुछ बोल दो, कहाँ जा रहे हो? गाइस देखो मैं गाना बजा रहा हूँ, वाली बंद हो गया। फाइनली अब आ चुके हैं जहाँ पर पूजा होनी है, एंड धूप तो बहुत ज़्यादा तेज लग रही है, और यहाँ चल रही हैं खाने की तैयारियाँ। सब लोग लगे हैं अपने अपने काम पर। मैं जा रही हूँ अभी थोड़ा सा घूमने घाट पर, और ये देखिए वाह कितना प्यारा लग रहा है। सारे ये बदक हैं, बदक ही हैं ये जो पानी में रहते हैं। कितना प्यारा व्यू है ये, सुबह सुबह का टाइम है ना, इसलिए सारे पक्षी यहाँ आते हैं पानी के पास घूमने के लिए, तो आज हमें भी देखने मिल गए ये। वाओ बहुत ही सुंदर लग रहा है सच में। और यहाँ पर चल रही है खाने की तैयारी, ये हैं हमारे हलवाई भैया जो कि बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं। हमारे जब भी घर में कोई भी कार्यक्रम होता है तो हम भैया से ही खाना बनवाते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पर बन रही है गोभी आलू मटर की सब्जी, और आज के खाने में गोभी आलू मटर की सब्जी, भट्टे की सब्जी, पूड़ी और कढ़ी चावल, सूजी का हलवा, ये सारा कुछ बन रहा है आज के खाने में, जिसका पहले भोग लगेगा और फिर सबको प्रसाद मिलेगा। और वैसे भी प्रसाद में जो कुछ भी बनता है वो बहुत ही टेस्टी होता है, और फिर भगवान जी के लिए तो जितना कुछ भी हम करें वो भी कम है, क्योंकि सारा कुछ तो उन्हीं की देन होती है, हम तो एक निमित्त मात होते हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं, जो कुछ भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं तो वो ज़रूर करना चाहिए, ज़रूरतमंदों की हेल्प करना चाहिए, इससे भगवान जी और खुश होते हैं।
पूजा स्टार्ट हो गई है और यहाँ बैठे हैं पूजा में और पंडित जी जो थे वो पूजा तो करा रहे थे, बहुत अच्छी पूजा कराई उन्होंने नो डाउट, पर इतनी ज्यादा कॉमेडी भी कर रहे थे ना बीच में, इसलिए सैलिस बहुत हंस रहे थे और सभी लोग वहाँ जितने लोग थे सभी को बहुत हंसी आ रही थी। आप भी सुनिए पंडित जी की पूजा। बोले प्रभु अधोनक्तांता प्रसादी सुनायाह प्रसति महाभारत हमको भावी कष्ट कठिन दुख प्राप्त हुआ है, लेकिन आज से तुम्हें कोई कष्ट का तकलीफ नहीं होगी। और ऐसा कहकर उनको ना नए कपड़े वस्त्र पहनाए, जितना धन ले लिया उससे दूना धन लेकर आदर के साथ विदा किया और दोनों वैश्य जो अपने घर को चल दिया। श्री सत्यनारायण अमृत कथाया तीसरा सुपान अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण देवा नर्मदा मैया जी की। आ सुशीला भाई जोर से तो बोलो। हाँ अरे बिचारिया कौन है सुशीला, कौन है पीछे वाली। अभी पूजा खत्म होने के बाद भंडारा स्टार्ट हो गया है तो सब लोग बैठकर खाना खा रहे हैं और खाने के टाइम का मैंने सिर्फ एक छोटा सा क्लिप लिया था क्योंकि पूरे टाइम वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है। सभी खाना खाते हैं तो किसी को कंफर्टेबल होता है, किसी को नहीं लगता है, इसलिए जब हम किसी को अपने घर बुलाते हैं तो उनकी कन्वीनियंस का ध्यान रखना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया। अब हम लोग फ्री हुए हैं फाइनली, टाइम कितना हो गया भाभी, कहाँ जाना है? 5:45 हो गया, 6:45 हो गया, पूरा दिन कैसा निकल गया पता ही नहीं चला और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। ज़्यादा मैं वीडियो भी नहीं बना पाई, जितना क्लिप बनाया था वो सब आप लोगों ने देख ही लिया। एंड अभी फ्री हो के हम लोग अभी जस्ट फ्री हो के सब बैठे हैं तो गाड़ी का वेट कर रहे हैं सब, हम लोग सब बैठे हैं यहाँ पर। अच्छा लग रहा है।